राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। पहले वेट लिफ्टरों ने कमाल दिखाया, फिर टेबल टेनिस, बैडमिंटन और शूटिंग में कमाल हुआ। अब बारी रेसलिंग की थी। रेसलिंग में भारत के लिए बबीता फोगाट ने सिल्वर मेडल जीतकर शानदार आगाज किया। हालांकि बबीता ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भारत के लिए गोल्ड जीता था। बबीता के बाद रेसलिंग कोर्ट में राहुल उतरे और चोट लगने के बावजूद कनाडा के पहलवान स्टीवन ताकाहासी को हराकर गोल्ड मेडल देश के नाम किया। इसके बाद भारत की महिला पहलवान किरण ने मॉरिशस के पहलवान के परिधावेन को पहले ही पीरियड में हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। किरण के बाद बारी थी भारत के अनुभवी पहलवान सुशील कुमार की। सुशील कुमार इससे पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दो बार मेडल जीत चुके थे और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वह इस बार भी इतिहास को दोहराते हुए भारत को गोल्ड दिलाएंगे। हुआ भी यही, लेकिन और ज्यादा शानदार तरीके से। सुशील कुमार ने मात्र 80 सेकंड में भारत की झोली में गोल्ड डाल दिया।